नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। पूरे देश समेत आज बिहार भी दीपावली को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और हर कोई एक दूसरे को शुभकामना देने में लगा हुआ है। आपको पता है कि दीपावली जरूर मन रहा है, लेकिन ऐसे में कोरोना का संकट नहीं टला है और यही कारण है कि सरकार ने कई दिशा निर्देशों को पालन करने के लिए भी लोगों को कहा है और बिहार में इसका बखूबी पालन भी किया जा रहा है। इस बीच सभी नेता, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं बिहार की सियासत से भी, सभी लोग अपने देशवासियों और राज्यवासियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि कैसे नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से बिहार के सहित पूरे देश को दीपावली की हार्दिक शुभकामना दी थी और अंधकार पर प्रकाश के विजय का प्रतीक बताया था इस पर्व को। अब ऐसे में अब तेजस्वी यादव ने भी एक पोस्ट किया है फेसबुक पर। उन्होंने भी बिहार के लोगों को एक संदेश देते हुए दीपावली की हार्दिक शुभकामना दी है। हम वो संदेश आपको अपने मोबाइल के जरिए ही पढ़कर सुनाते हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा है, आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की असंख्य शुभकामनाएं। हम अशिक्षा, गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अफसरशाही के साथ साथ दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई में व्याप्त घनघोर अंधेरे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके बाद लिखा है, जय हिंद, जय बिहार। तेजस्वी यादव, आपको याद होगा लगातार जब भी चुनावी सभाओं में पहुंचते थे इस बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, तो एक बात जरूर कहते थे और वो एक बात का जिक्र उन्होंने अपने इस पोस्ट में भी कर दिया है। हालांकि लोगों को संदेश देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं दीपावली की, लेकिन उसके जरिए ही उन्होंने अपनी बात एक बार फिर से दोहराई है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने जो फोटो शेयर किया है, इस पोस्ट को लिखा है, उसके बाद एक नीचे में फोटो दिया हुआ है तेजस्वी यादव के द्वारा और उस फोटो पर भी कुछ लिखा है, वो भी हम आपको पढ़कर बता रहे हैं। फोटो में लिखा है, प्रेम, अमन, पूजा, प्रार्थना, दुआओं का दौर सदा चलता रहे, इंसानियत और मानवता का अखंड दीप जलता रहे। तेजस्वी यादव ने भी कुछ इसी अंदाज में अपने पोस्ट को लिखा है और लोगों को शुभकामना दी है। इससे पहले नीतीश कुमार ने भी बिहार के लोगों को शुभकामना दी थी। कोरोना के संकट काल के बीच इस त्यौहार को मनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही प्रशासन और सरकार के द्वारा कड़ी हिदायत भी दी जा रही है। लोगों से अपील भी की जा रही है और कहा जा रहा है कि सब कुछ करें, सौहार्द के साथ त्यौहार को मनाएं, दीप जलाएं, लेकिन आप भी कोरोना के संकट को ना भूलें। और यही कारण है कि सब कुछ सुरक्षा के इंतजाम के साथ ही लोगों को दीपावली मनाने की सलाह भी दी गई है, सरकार हो या फिर प्रशासन हो। ऐसे में पूरे बिहारवासी पूरे उल्लास के साथ मना रहे हैं दिवाली को और नेताओं के द्वारा लगातार दी जा रही शुभकामनाएं दी जा रही हैं और ऐसे में लोग भी अब दिवाली मनाने के उस रफ्तार को नहीं पकड़ पा रहे हैं जिस रफ्तार से वो पहले दिवाली मनाया करते थे। हालांकि कुछ रंग फीका जरूर हुआ है कोरोना के संकट काल को देखते हुए, लेकिन लोगों के अंदर का जो उल्लास है वो कम नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव ने अपने इस पोस्ट में एक बार फिर से दवाई, सिंचाई, पढ़ाई लिखाई और सुनवाई की बात कही है और जिक्र किया है। उसी चुनावी दौरे के दौरान जब वो बात करते थे तो उनके हर भाषण में ये बातें जरूर दिखती थीं और बोलते भी थे अपने मन से कि सरकार बनी तो ऐसा करेंगे। बहरहाल तेजस्वी यादव की सरकार तो बनती दिखाई दे नहीं रही है। एनडीए की सरकार, अगर हम चुनावी नतीजों की बात करें तो एनडीए की सरकार बिहार में बनना लगभग तय हो चुका है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव ने अपने संदेश को एक बार फिर से दिवाली के शुभकामना के तौर पर साझा की है और लोगों को बहुत बहुत बधाई कहा है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें हम आपको देते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।